आजकल रात से मेरी बेटी यानी कि नवू की तबीयत बहुत खराब है और उसे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। बहुत इरिटेबल रह रही है और फीवर भी है। पहले जब भी इसे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो मैं बहुत पैनिक हो जाती थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि करना क्या है करना क्या है। और ठंड में ये जन्म ली थी, इस वजह से बार बार इसे सर्दी खांसी कुछ ना कुछ होते रहता था और मैं दौड़ती थी डॉक्टर के पास, क्योंकि उस टाइम पता नहीं होता था कि क्या करना है। बहुत पैनिक हो जाती थी, कई बार मैं रोने भी लगती थी उसे देख के। बट डॉक्टर के पास बार बार जाने के बाद डॉक्टर ने भी मुझे यही सलाह दी कि आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए भागा मत कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का इम्यून भी स्ट्रांग होता है, बहुत बार पता चलता है इम्यून उसका कैसा है क्या है। तो आप ट्राई करिए कि घर पे ही रह के, अगर बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है तो थोड़ा बहुत घर पे ही घरेलू उपचार कर लीजिए। तो आज फिर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी है नवू की, और उसे पैम्पर करके रखना पड़ रहा है। मतलब कि ऐसे गोद में बिठा के सटा के एकदम प्यार से तब रखना पड़ रहा है, बेड पे तो वो बिल्कुल सो नहीं रही है। तो अभी नवू का पापा उसको पैम्पर कर रहा है और तब तक से मैं आई हूँ किचन में। मुझे लग रहा है जल्द से जल्द कोई रेमेडीज बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए विक्स वेपर अब हम बच्चों को लगा नहीं सकते। विक्स वेपर अब लगाने के बाद क्या होगा कि वो इरिटेबल हो जाएगी, और विक्स वेपर अब बड़े लोगों की चीज़ है, बच्चों की चीज़ है नहीं। तो देसी घी जो होता है, जो पुराना हमारे घर पे रखा होता है, उसे हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कलछी में यहाँ देसी घी को गर्म करके इसमें 4 से 5 कपूर का बॉल्स डाल दिया है, तो वो खुद ब खुद मेल्ट हो गया है। और मैंने इस छोटे से कंटेनर में इसे अभी रख लिया है, छोटे से कंटेनर में। इसका स्मेल अभी समवॉट कैम्फर जैसा ही है, मतलब वेपरअप जैसा ही, थोड़ा सा जैसे कि सांस ले रही हो तो लग रहा है सांस खुल रही है। तो ये बच्चे को आराम देगा, प्लस इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो मैं चली ये पीठ पे नवू के मलने, और बाई द टाइम नवू उठेगी, क्योंकि अभी वो सो रही है, सुबह से इतना रो रही थी तो कैसे भी सोई है अभी, तो इस अदरक का जूस मैं निकालूंगी और उसको हनी में डालूंगी, और जब वो उठेगी तो उसे वो पिला दूंगी, तो उससे भी उसे बहुत आराम मिलेगा। यहाँ नवू का पापा नवू को गोद में लेते लेते सो रहा है, क्योंकि जब भी उसे बेड पे रखो उसे अकेलापन फील हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हम उसे बेड पे रख ही नहीं पा रहे थे, वो बहुत रो रही थी। और जब बच्चा बहुत रोता है और उसे तेज़ फीवर होता है, वो अच्छा फील नहीं करता, तो बच्चा तो दुखी होता ही है, साथ ही साथ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बस लगता है कैसे भी जल्दी बच्चे को आराम मिले, वो ठीक हो जाए। वही हालत मेरे पति की भी हो रखी है, देखिए वो लेते लेते सो रहा। नाक बह रहा है इसका, आंसू भी बहुत निकल रहा है मेरे बच्चे का। कोई बात नहीं, मम्मा रिलीफ देगी। मामा दुखी है, मामा बहुत दुखी है हाँ, कि मेरा बच्चा इतना बीमार पड़ गया इतना। हाँ, मैं नवू को नेजल ड्रॉप्स डाल रही हूँ नाक में, ताकि उसे सांस लेने में अच्छा फील हो, थोड़ा नाक बंद है वह खुल जाए, और इस कारण जब उस वो अच्छे से सांस लेगी तो उसे अच्छा फील होगा। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर बच्चे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेज़ल ड्रॉप। हालांकि यहाँ बच्चा देखिए इरिटेट हो रहा है, उसे डलवाना पसंद नहीं है नाक में, बट थोड़ा पेशेंस रख के डालना ज़रूरी है। अगर आप डाल देते हैं तो उसका नाक खुल जाएगा और वो आराम से सांस लेगा, बच्चा बेटर फील करेगा। अगर आपके पास नेज़ल ड्रॉप नहीं है तो गुनगुने पानी में नमक डाल दीजिए और फिर उसको बूंद बूंद करके नाक में कुछ ड्रॉप्स की मदद से डालिए, बच्चे को जल्दी आराम मिलेगा। देखो क्या पी रही है मम्मा, क्या पी रही है, नम 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 नम, यमी यमी। पापा पियो, अरे वाह, पापा भी पी लिया, नवू भी पिएगा, नवू पिएगा, मम्मा पी रही है, नम 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 नम, बहुत यमी है ये, नवू पी लिया, नवू पी लिया, क्लैप 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 क्लैप। एक मोटा हाथी जम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, नवू शहद पी रहा है, गाइस। तो नवू रो रही थी इसलिए मैंने इसे थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, ताकि ये शांत रहे। उसका फेवरेट पोयम मैंने टीवी पे लगा दिया, एक मोटा हाथी और सारे राइम्स जो भी उसे बहुत पसंद है, ताकि वो उसे एंजॉय करे और देखती रहे, ताकि उसका ध्यान अपने दर्द पे ना जाए। तो यहाँ नवू एंजॉय कर रही है। दन्द 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 दन्द।
चिक बम बम बम, एक से लेकर दस तक गिनती अब सीखेंगे हम। बम चिक बम बम बम, बम चिक बम बम बम, एक से लेकर दस तक गिनती अब सीखेंगे हम। मैं घी में कपूर मिला के जो मैंने घरेलू उपचार बनाया था वो मैं नवू को लगा रही हूँ, क्योंकि गलती से भी विक्स वेपरअप का यूज़ बच्चे को ना करे, वो जलन देता है, उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है इस वजह से। तो यहाँ मैंने लगा लिया, हालांकि नवू इरिटेट होके रोई, बहुत नाक उसका बह रहा था, बट थोड़ी देर में मैंने फ़ील किया कि उससे बहुत रिलीफ मिला। यहाँ मैं अपने नाइटी पे भी रगड़ रही हूँ ताकि मैं उसे कंधे पे बिठाऊँ तो उसका स्मेल आता रहे नवू के नाक में और उसका नाक खुल जाए। कोई मुझे जज मत करना कि मैं ऐसे क्यों दिख रही हूँ, बिना बाल झाड़े बिना मेकअप किए ऐसे ही वीडियो मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बहुत पैनिक हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो टाइम नहीं मिलता खुद पे ध्यान देने का। यहाँ मैंने लहसुन तेल और अजवाइन जला के दे दिया नवू की दादी को, तो वो बहुत अच्छे से इसकी मालिश कर रही हैं। सर्दी में बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा असर करता है ये लहसुन और अजवाइन जला के सरसों तेल में पका के बच्चों का मालिश करना, तो ये सारे घरेलू उपचार मैंने किए। और इस बार डॉक्टर के पास नहीं लेके गई क्योंकि मैं चाह रही थी इसका इम्यून खुद डेवलप हो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो मैंने सोचा एक दिन देख लेते हैं दूसरे दिन जाएंगे। बट ये सब करने के बाद मेरी नवू लगभग एक ही दिन में बिल्कुल ठीक हो गई, शुक्रिया भगवान का कि वह जल्दी ठीक हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा एक माँ होती है, तो प्लीज़ पैनिक मत होएं अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ता है तो, बहुत अच्छे से उसे पैम्पर करें, ख्याल रखें और ख़ुद से दूर ना रखें, आपका बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। फाइनली एक माँ के पेशेंस की जीत हुई और मेरा बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया। ये देखो पापा से लड़ाई करते हुए मम्मा का बुक फाड़ने के लिए तैयार है मेरी छुटकू पुटकू। सीरियस होके डांटो नवो, क्यों कर रही हो ऐसे? समझ में नहीं।